गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक दैट इज़ द कांस ऑफ टीथ स्टूडेंट्स पिछले जो वीडियो में मैंने आप लोगों को जो है पढ़ाया है दैट इज़ अ डेंडिशन इन मैमल्स जिसके अंदर फंक्शंस ऑफ टीथ सिग्निफिकेंस ऑफ टीथ और डिफ्रेंशिएशन और शेप ऑफ द टीथ अटैचमेंट ऑफ टीथ सक्सेशन ऑफ टीथ ये टॉपिक्स पढ़ाए गए अब जो ये जो वीडियो हैं, इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के जो टीथ है काइंडस ऑफ टीथ उसके बारे में अध्ययन करेंगे ओके सो सोलेट स्टॉर्च तो इनमें सबसे पहले यू you नो know, कि मैमल्स के अंदर फोर टाइप्स के चार प्रकार के दांत या टीथ उपस्थित होते हैं मैमल्स में वो हैं incisors कनाइंस प्रीमोलास एंड मोलास वैसे प्रीमो इंसिसर्स, कनेस और चीक टीथ के नाम से भी बताया जाता है क्योंकि जो चीक टीथ है उसमें प्रीमोलास एवं मोलास भी आते हैं तो इंसिसर्स का मतलब है कृंतक हिंदी में अडेज कृंतक या इंसिसर्स इंग्लिश में अब इनो व्हाट आर द इंसूस

होते हैं उसको क्या कहते हैं इंसिसर्स कहते हैं यानी ये ऊपरी जबड़े में जो प्रीमैक्सले और निचले या लोअर जॉ में जो डेंट्रीस के सिरों पर पाए जाने वाला जो सम्मुख जो फ्रंट टीथ होते हैं ओके और इनमें दे आर सिंगल रूटेड ये सिंगल रूटेड होते हैं एकल मूल्य होते हैं और ये मोनोकस्पिट यानी एक दंताग्री और लंबे कर्व्ड होते हैं ओके एंड शार्प एज होते हैं तेज किनारा किरा किनारेदार धोते हैं यानी शार्प कटिंग टीथ होते हैं ये शार्प एज uh, होते हैं ओके और मोनोकस्पिड होते हैं लॉन्ग होते हैं और कर्व्ड टीथ होते हैं कहाँ स्थित होते हैं यानी प्री मैक्सले एवं डेंट्रिस यानी प्री मैक्सले अपर जॉ के बोन और डेंट्रीस जो है लोअर जॉ के बोन्स होते हैं तो फ्रंट टीथ भी क्या है फ्रंट टीथ दे आर सॉर दी फ्रंट टीथ ओके एंड अब इसका फंक्शन क्या है किस लिए यूज़ किया जाता है और ये जो है आ, कटिंग या फिर क्रोपिंग और काटने बाइटिंग के लिए वो अनुकूल होते हैं यानी दे आर अडेप्टेड फॉर सीजिंग कटिंग और क्रोपिंग एंड बाइटिंग ओके यानी ये दांत जो हैं ये तो या तो पकड़ने कतरने और समाकर्तन या क्रोपिंग होते हैं और काटने के अनुकूल होते हैं दे आर अडेप्टेड फॉर सीजिंग कटिंग और क्रोपिंग एंड बाइटिंग सेकेंड टाइप के जो दांत होते हैं वो कहते हैं कनाइंस ओके कनाइंस अब ये कनाइंस जो हैं अच्छा इसका कनेस के बारे में और भी कुछ बातें मैं बताना चाह रही हूँ यानी ये रोडेंस और लैगोमोर्फ्स जो होते हैं रोडेंस और लैगोमोर्फ्स ये इंसिसर्स जो हैं इंसिसर्स आर ओपन रूटेड ओके जो रोडेंट्स होते हैं लैगोमोर्फ्स होते हैं ओके इनमें रोडेंस और लैगोमोर्फ्स के अंदर ये ओपन रूटेड होते हैं और कंटिन्यू ग्रो थ्रू आउट लाइफ पूरे जीवन पर्यंत जीवन काल में ये बढ़ते रहते हैं जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं इनके केवल जो अग्रतल होते हैं उसमें इनामल होता है या आगे का जो अग्र पोर्शन टॉप टिपिकल टिप एंड जो है ओके उसमें प्रेजेंट द इनामल ओके और जो इनामल जो है डेंटेन की अपेक्षा अधिक धीमे घिसता है और सिंस इनामल दैट वी डाउन मोर स्लोली दैन द डेंटेन ओके एंड ये का, ये जो चीज़ल लाइक एडजस्ट लाइक एडजस्ट रिजल्ट विच सर फॉर कटिंग एंड नॉइंग ये तो जो हैं अपेक्षा यानी डेंटेन की अपेक्षा जो है अधिक धीमे से घिसता है जिससे क्या होगा ये जो चिजल लाइक इसके तेज जो और किनारे बन जाते हैं जो काटने एवं रद्दने का कार्य करते हैं और इसी तरह से जो लीमर्स होते हैं ना लीमर्स और लीमर्स में आर डेंटिकुलेट टाइप इसमें मैं डायग्राम आपको दिखा दूंगी दे आर दी डेंटिकुलेट टाइप ओपन रूटेड रूट एंड डेंटिकुलेट टाइप में कनाइंट्स डेंटिकुलेट ना डायग्राम में नहीं है और डेंटिकुलेट टाइप का जो चीज येस दिस इज देयर इट इज द चीजल लाइक शार्प चीज लाइक टीथ दिस इज द ओके और हेयर वी कैन से नॉट दिस वर्ड दिस इज द शार्प चीजल लाइक टीथ और इसमें दे आर ऑल्सो ओपन ओपन पर्सनली ओपन रूटेड ओके ओपन रूटेड होते हैं और इनमें जो टीथ उपस्थित होते हैं कि इसमें जो लीमर्स में ये किस तरह से हैं डेंटिकुलेट लाइक द कोम्ब सर्विंग फॉर क्लीनिंग द फर ये जो हैं इसमें जो कृंतक पूर्णतः जो है वो किस लिए यूज होता है पता है यानी ये दांत जो हैं और ये अपने जो आ, क्या कहते हैं यानी जो फर होता है फर और वो फर जो है उसको कंकी के समान जो कंकी के समान उसको सवारने का काम आता है और हाथी के जो इंसेस होते हैं जिसको हम टस्क कहते हैं ओके टस्क कहते हैं और विवृत मूलयुक्त या रूपांतरित ऊपरी कृंतक होते हैं यानी इसमें दिखा देंगे आपको यानी डायग्राम uh, के अंदर बता दूँ दैट इज द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंसिसर टीथ सी वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इंसिसर टीथ जिनमें कि इच्योर ओपन रूटेड ओके वाइड ओपन रूटेड टीथ ओके दिस इज द इमेच्योर ओपन रूटेड टीथ एंड सेकेंड वन दैट इज अ मैच्योर पूरा मैच्योर हो चुकी हैं परिपक्व इनसेसर बट द इट इज़ द क्लोज रूटेड क्लोज रूटेड है और इसी तरह से रोडेंट के अंदर जो टीत है यानी वो है ओपन रूटेड रोडेंट जिसके अंदर शार्प चीज़ल लाइक -like एडजस्ट होते हैं और वो बार बार टूट भी जाए तो भी ये जीवन पर्यंत ये बढ़ते रहते हैं और मास् मस्क मास्टडोन जो है जिसके अंदर जो इंस टस्क जिसको हम लोग टस्क कहते हैं ओके okay? हाथी दांत वो दैट इज ऑल्सो ओपन रूटेड अपर ओके तो ये है यंग जो है इमेच्योर वन है और ये मैच्योर है और ये किस में पाए जाते हैं ओपन रूटेड किस में रोडेंट के अंदर पाए जाते हैं और ये टस्क के अंदर पाए जाते हैं ओके नेक्स्ट टाइप ऑफ टीथ दैट इज नोन दस दूसरे प्रकार के जो टीथ है उसको कहते हैं कनाइंस और उसको कहते हैं रैदनक या फिर कनाइंस ओके okay? इनमें क्या है सिंगल कनाइन टूथ ऑकर्स इन ईच हाफ ऑफ ईच आउटसाइड द इंसूसर्स ये ठीक जो इंससर्स इन्स, होते हैं ओके okay? तो इंससर्स इन, के ठीक बाहर की ओर उपस्थित होते हैं इंससर्स से ठीक बाहर की ओर और।, और ये ऐसे प्रत्येक जो जबड़े के प्रत्येक अर्थ भाग में ये उपस्थित होते हैं यानी प्रत्येक जॉ के हाफ जो पोर्शन होता है अर्थ भाग में ये उपस्थित होते हैं हाफ यानी सिंगल कनेकर्स इन ईच हाफ ऑफ ईच जॉ जस्ट आउटसाइड द इंसर्स यानी ठीक इंससर्स जो हैं या उसको हम लोग क्या कहते हैं कृंतक कृंतकों के ठीक बाहर की ओर एक एक जो है कैनेन्स पाए जाते हैं वो भी प्रत्येक जबड़े के प्रत्येक अर्थ भाग में हाफ पोर्शन की ओर ये पाए जाते हैं और इस किस तरह से होते हैं कैनइंस आर जनरली इलोंगेटेड वन ओके ये जो कैनेन्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं जनरली इलोंगेटेड लंबे होते हैं प्रिजनक और सिंगल रूटेड एंड विथ अ कॉर्निकल शार्प मोनोकस्पिड फॉर्म्स ये जो कनाइंस होते हैं वो लंबे हैं सिंगल uh, रूटेड होते हैं यानि एकल मूली है और एक कॉर्निकल कॉर्निकल प्रकार के होते हैं ओके okay? शक्वाकार के और मोनोकस्पिड एक दंताग्री ओके okay? और शिखर युक्त तो होते हैं मोनोकस्पिड क्राउन शिखरयुक्त होते हैं और ये वेधने चीरने तथा जो आक्रमण और सुरक्षा के लिए होते हैं ओके okay? इसका फंक्शन है किस लिए काम आता है दिस इज मेंट फॉर पियर्सिंग टियरिंग एंड ऑल्सो यूज फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस ये ऑफेंस एवं डिफेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है बेधने का काम में लेते हैं चीरने का जो कार्निवरस एनिमामल्स होते हैं वो मांस को चीरने या अपने प्रे को चीरने और फाड़ने के का काम के लिए भी यूज़ किया जाता है ओके okay? तो इसमें कार्निवोरस के जो हैं इनमें जैसे डॉग हो बिकम लार्ज स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड स्पीयर लाइक फॉर टियरिंग द फ्लैश जो कुत्ते हैं मांसाहारी कार्निवोरस जो डॉग्स होते हैं इनमें जो कैनैन्स होते हैं वो बड़े मजबूत होगा और मांस या फ्लैश को चीरने के लिए एक स्पीयर के समान यानी भाले के समान नुकीले होते हैं ओके और ये वे जो इवन हाँ, डॉक्स में भी किस तरह से जो मेल वन होते हैं उसमें ये अधिक बड़े होते हैं मेल में ओके okay? मेल में अधिक बड़े होते हैं और इसी तरह से जो कस्तूरी मृग जिसको कहते हैं नर जो मेल कस्तूरी मृग यानी मस्क डियर में वे केवल ऊपरी जबड़े में उपस्थित होते हैं ओके okay? किसमें मस्क डियर का अंदर दे आर प्रेजेंट ओनली इन अपर जॉ मेल के अंदर यानी मेल जो मस्क डियर है इनमें भी ये कैनाइंस होते हैं वो आ, मेल के अंदर एक ही अपर जॉ में ही उपस्थित होते हैं ओके और इसी तरह से जो वेलरस है ओके वेलरस द अपर कैनइंस फॉर टस्क फॉर डिगिंग मोलस्क एंड फॉर लोकोमोशन ऑन आइस इसी तरह से जो वेलरस है ओके वेलरस में ये मोलस्क को खोदने में और बर्फ़ पर जो लोकोमोशन के लिए कि ऊपरी कनाइंस जो है वो टस्क जैसे बनते हैं ओके और कुछ जो हर्बीवोरस होते हैं जिसमें चूहा हो लागोर्स होते हैं और कुछ जो अन्य जो एंगुलेट्स होते हैं ओके एंगुलेट्स होते हैं इसमें कनाइंस अनुपस्थित होते हैं और उस इनके स्थान पर एक बड़ा सा या चौड़ा जो है आ, स्पेस छुटा रहता है ओके लिविंग एवॉइड टूथलेस स्पेस उसको कहते हैं डायास्टिमा तो यानी जहाँ पर कनेंस अनुपस्थित होते हैं कुछ कुछ हरबिवोर से एनिमल्स होते हैं उसमें जो है कनाइन्स अनुपस्थित होते हैं और उसके स्थान पर एक स्पेस छुटा हुआ रहता है उसको कहते हैं डायास्टिमा ओके डायास्टिमा अब नेक्स्ट है चीक टीथ ये चीक टीथ में एक्चुअली दो प्रकार के दाँत आते हैं प्रियमोलास एवं मोलास तो पहले मोलास होते हैं और उसके बाद में रेस मोलास ओके तो यहाँ जो हैं हमने इसका इम्पोर्टेंस पढ़े हैं यानी ये फंक्शन कनाइंस की और कार्निवोस में किस प्रकार के होते हैं मेल मस्क डियर में किस प्रकार होते हैं बैलरस के अंदर क्या है इसका मोडिफिकेशन है और कनाइंट्स के अंदर आ, सम आ, जो हेरबीवोर्स के अंदर जो हैं किस तरह से ये उपस्थित होते हैं और डायास्टिमा का फॉर्मेशन कहाँ होता है और उसके बाद चीक टीथ ना नेक्स्ट वी कैन से इसका आपको कनाइंस के डायग्राम दिखाएंगे यानी ये कनाइंस जो हैं कि कार्निवोर के अंदर मैंने कहा था कि ये नुकीले प्रकृति के होते हैं ओके okay? है जो चीरने फाड़ने का फ्लैश को या प्रे को चीर के फाड़ के खाने के काम में हेल्प करते हैं ओके okay? और उसके बाद जो मेल मस्क डियर जो है उसमें केवल ये अपर में उपस्थित होते हैं और इसी तरह से वालरस के अंदर वो टस्क के, के समान काम आते हैं टस्क के समान रूपांतरित होते हैं जो बर्फ़ के अंदर जो हैं इसमें लोकोमोशन के, के लिए भी मूवमेंट के लिए भी के लिए भी हेल्प करते हैं और मोलस को को खोद जो खोदने का भी ये काम करते हैं ओके सो so, इसमें कने टीथ का मॉडिफिकेशन इन कार्निवोर कार्निवोर मस्क डियर एंड ऑल्सो दैलस ओके नेक्स्ट डायग्राम नेक्स्ट वी कैन से दट इज अ चीक तो चीक टीथ में मैंने आपको कहा प्रीमोलास और मोलास वो टाइप सर कलेक्टिवली कॉल्ड दस द चीक टीथ दोनों एक साथ जिसको चीक टीथ कहते हैं और इनमें जो चीक टीथ या कपोल दांत जो है कि इसको दोनों प्रकार को मिलाकर ये कहते हैं कपोल दांत ओके उनके जो टिप होते हैं वो कुचलने पीसने क्राउंड है वो ब्रॉड सरफस विथ रीज एंड टूबर्कल्स ये किस लिए काम आता है कपोल दांत जो है दोनों में मिलाकर जो कपोल दांत जिसको कहते हैं और उनके शिखर जो हैं शिखरों पर कुचलने हो पीसने हो और चबाने के लिए रिजस या ट्यूबरकुल से चौड़े तल होते हैं ओके okay? और जो प्रीमोलस जो हैं और ये प्रीमोलस हैव टू रूट्स ओके एंड टू कप्स एंड रिप्रेजेंटेड इन द मिल्क डंडेशन एक्चुअली मैंने आपको कहा था कि जो ह्यूमन बींग्स हो या कुछ मैमल्स के अंदर वो डाइफाडोन टाइप के दो सेट दो समुच कलेक्टिवली दो सक्सेसिव सेट्स उसका निर्माण होता है जिसमें एक है मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ तो जो मिल्क टीथ हैं इसमें ये प्री मोलास का फॉर्मेशन uh, होता है ओके okay? किंतु मोलास का नहीं होता है तो इनमें मोलास हैव मोर देन टू रूट्स एंड सेवरल कप्स एंड डू नोट हैव मिल्क प्रोडोस तो इनमें वो मिल्क प्रोडक्स नहीं होता है जैसे प्रीमोलास में हैं तो प्रीमोलास मिल्क तो प्री डीशन में ही होता है ओके तो इनमें यानी जो मोलास होते हैं उसमें मिल्क प्रोडक्स नहीं होते हैं और इनके दूध पूर्ववर्ती नहीं होते हैं ओके अब इनका जो मॉडिफिकेशन है In the case of the carnivores, the last premolars in upper jaw and first molars in lower jaw may have very sharp cusps for cracking the bones and shearing the tendons। जो मांसाहारी जो कार्निवारस होते हैं, इनमें जो bones को चटकाने और जो ऊपरी जबड़े के दांत जो हैं और जो bones को crack करने के लिए और जो टेंटेंट्स होते हैं जो इसमें बॉन्ड जो फ्लैश के जो टेंडेंट्स होते हैं के अंदर होते हैं उसको और कंटराओं के करतन के लिए यूज़ किया जाता है ओके और इसी तरह से जो टीथ जो हैं, जिसको हम कह सकते हैं दैट इज़ अ करनाशील यानी कार्नेशियल इमर्स शेल टीथ यानी कार्डिवोज द लास्ट प्रीमोलास इन अपर जो एंड फर्स्ट मोलास इन लोअर जो मेंव वेरी शार्प कस फॉर क्रैकिंग द बॉन्स एंड शेयरिंग द टेंडेंट्स तो वो यू प्रीमोलास जो हैं जो प्रीमोलास और फर्स्ट मोलास जो कि कार्निवोस के अंदर उपस्थित होते हैं जो कि बॉन्ड्स को क्रैक करने के लिए टेंडेंट्स को शेयरिंग अप करने के लिए जो होता है उपस्थित होते हैं उसको कहते हैं कार्नेशियल टीथ क्या है कार्नेशियन टीथ कहते हैं ओके okay? तो मांसाहारी जो है कार्डिवस के अंदर ये फर्स्ट लास्ट प्रीमोलास एवं फर्स्ट मोलास उसको कहते हैं कार्नेशियल और क्रैबीटर सील जो है क्रैबीटर सील क्रैब इन क्रैबीटर सील मोलास बियर डेंटिकुलेट प्रोसेस टू स्ट्रेन द प्लैंकटन की जो सील है क्रैबीटर सील इसके अंदर के दर्थ प्रोसेस द डेंटिकुलेट टाइप ऑफ द दांतेदार प्रवर्त होते हैं डेंटिकुलेट टाइप ऑफ द मोलास ओके डेंटिकुलेट प्रकार के यानी ये किसके काम में आते हैं यानी जो प्लैंगटनस होते हैं उसके छानने का काम करते हैं तो दांतेदार इसमें आउटग्रोथ्स टाइप निकले हुए रहते हैं और प्राइमेट्स जो हैं प्राइमेट्स में जैसे मैन में है लास्ट मोलार इज कॉल्ड विजडम टूथ जो लास्ट टीथ होता है उसको अकल कहते हैं इसका स्फुटन इसका जो फॉर्मेशन है प्रोडक्शन है देरी से भी हो सकता है या फिर इनकम्प्लीटली बना होता है या फिर अनुपस्थित होते हैं ओके okay? इसको सो so, इसमें नेक्स्ट जो है दैट इज द डायग्राम ऑफ द कार्नेशियल, कानशलशल टीथ ओके कार्नेशियल टीथ का डायग्राम देखो जैसे मैंने आपको कहा था कि द मांसाहारी है जैसे कैट डॉग, बियर ऐके देट प्रोसेस द शार्प कस्प ओके तो फर्स्ट द फर्स्ट लोअर जो है, ओके लोअर मलास में फर्स्ट लोअर मलास है ये ओके okay? और ये लास्ट प्री मलास है तो प्रीमोलास लास्ट प्रीमोलास एवं फर्स्ट मोलार ऑफ दोवरच तो ये इनमें किस तरह के होगा यानी दैट प्रोसेस द शार्प कप्स जिससे वो किस लिए यूज किया था हड्डी जो है उसको चबाने के लिए क्रैक करने के लिए टेंडन्स को शरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है ओके नाउ वी कैन से नेक्स्ट मैंने एक और कहा था जो क्रैब ईटर सील है इनमें जो uh, मलास है ओके okay? मलास किस तरह से होता है मलास जो डेंटिकुलेट प्रोसेस होता है इसमें डेंटिकुलेट प्रोसेस जो कि ये इसे जो ये एक किसके समान काम करेंगे एक फिल्टर के समान काम करेंगे जिससे वो प्लैंकटनस को फिल कर कर सकते हैं प्लाननस को ओके okay? तो इसका फूड जो प्लैक्टनस होगा छोटे छोटे uh, प्लाननस होंगे एनिमल्स होंगे या फिर जो प्लान हो फाइट्रोप्लैंक्टन हो ओके तो वो होगा तो उसको स्ट्रेन करके या फिल्टर करके खाने में या फिल्टर करने में मदद करते हैं क्रेबिटर सील में इसका प्रीम मोलास ओके इसके साथ ये वीडियो यही ख़त्म कर देती हूँ और अगला वीडियो में हम पढ़ेंगे एट इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीक टीथ ओके